स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी में सेलर पदों की निकली वैकेंसी के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई किसी भी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन नेवी ने सेलर के पदों को की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है। सेलर की भर्ती से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जो भी इम्पॉर्टेंट डेट रिलेटेड है इस वैकेंसी से उनको देख लेते हैं। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट होगा हमारा 6 मई 2019 से, यानी कि जो अप्लीकेशन करने की जो लिंक है वो 6 मई 2019 से एक्टिव हो जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट से भी इस फॉर्म को अप्लाई करने की 19 मई 2019, यानी कि 19 मई 2019 तक जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड डेट अवेलेबल, ये बहुत जल्दी इंडियन नेवी द्वारा इसके वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1/10/1994 to 30/09/2002, यानी कि जो भी कैंडिडेट इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी जन्म 1/10/1994 से 30/9/2002 के बीच होना चाहिए। जिन कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच का है वही कैंडिडेट इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे संबंधित जो भी रिलैक्सेशन यानी कि जो भी छूट मिलती है उससे संबंधित आपको डिटेल जानना है तो आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और नोट में दिया है कि ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस वैकेंसी, यानी सिर्फ वही मेल कैंडिडेट इस पद को आवेदन कर सकते हैं जो अनमैरिड हैं, यानी मैरिड कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है कि कैंडिडेट पास्ट क्लास 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी कैंडिडेट क्लास 10th पास कर लिए हैं वो कैंडिडेट इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, यानी कि फ़ीस के ये जो फॉर्म है पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेमेंट मोड जब फीस लगेगी नहीं तो इसमें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम देख लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, यानी कि इस पद के लिए कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ेगा जिसमें हमारा 1.6 किलोमीटर रन होगा जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा और 20 हमारा उठक बैठक करना होगा और साथ में मिनिमम चेस्ट एक्सपेंड होना चाहिए 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट में कम से कम 5 सेंटीमीटर का सीने का फैलाव करना ही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।